ने चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यहाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। निर्देश आगे क्या दिए जाते हैं, क्या कोई बदलाव हो सकता है? जिस तरीके से नेतागण पहुंच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये देखना होगा। विपिन आपका शुक्रिया, लेकिन अमिताभ आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर बिहार से ही है। दरअसल बिहार चुनाव के लिए आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी अलग अलग क्षेत्रों में कुल मिलाकर के 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है। साथ ही बिहार वालों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने का भी भरोसा दिया गया है। मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स बिहार में खोला जाएगा। मातृभाषा में जब एक उनके टेक्निकल एजुकेशन पाते हैं तो उनका रोक नहीं हो सकता है उनका एक्सलेंस का। इसीलिए बिहार जैसे एक क्षेत्र में हिंदी में ये तीनों इंस्टीट्यूशन ओपन करना बहुत आवश्यक है, जिसमें मैं मानती हूँ हमारे बहुत सारे युवा का फ्यूचर के लिए, अच्छा क्वालिफिकेशन के लिए इधर ही अवसर मिलेगा। हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। इधर ऐलान हुआ कोरोना वैक्सीन को लेकर, उधर आरजेडी ने बीजेपी पर तंज कसा है। आरजेडी ने ट्वीट किया है, हम आपको बताते हैं वो ट्वीट क्या है। और देखिए ट्वीट में लिखा क्या है तंज कसते हुए, बिहार की कोरोना वैक्सीन पर दरअसल अब ये सियासत हो रही है। कोरोना का टीका देश का है, भाजपा का नहीं, ये कहा गया है। बीजेपी के मुफ्त में टीका देने के ऐलान पर ये तंज है आरजेडी का। कोरोना का टीका देश का है, भाजपा का नहीं। टीके का राजनीतिक इस्तेमाल दिखाता है कि इनके पास बीमारी और मौत का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राजद के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि मौत का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है बिहार भाजपा के पास। लेकिन आगे ये भी लिखा गया है कि बिहारी स्वाभिमानी हैं, चंद पैसों में अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचते। तो ये बिहार में कोरोना की वैक्सीन को लेकर के अब सियासत देखने को मिल रही है। कोरोना मजाक का सिंबल नहीं, ये सुरजेवाला ने भी कहा है। आपको बता दें एक और बयान सामने आया है रणदीप सुरजेवाला, जिन्होंने कहा कि मजाक का सिंबल नहीं है कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन पर लोगों को बीजेपी बरगला रही है। बिहार में बीजेपी के कोरोना वैक्सीन के वादे पर कांग्रेस ने भी अब करारा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी कोरोना को मजाक समझ रही है, बीजेपी वैक्सीन पर लोगों को बरगला रही है। तो भारी कोरोना महामारी झूठ बोलने और देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक उड़ाने का विषय नहीं हो सकता। मोदी जी ने तो राष्ट्र संबोधन में कह दिया कि अभी शायद एक साल तक तो वैक्सीन आने की उम्मीद ही नहीं। और ये झूठों के सरदार बेशर्मी से यहां लोगों को बरगला रहे हैं। बिहार में कोरोना काल में हाल क्या हुआ, 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। भाजपा बार बार झूठ बोलिए, जैसा नीतीश बाबू ने उन्हें बड़का झूठा पार्टी कहा था, पर कोरोना महामारी में देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक मत उड़ाइए। अमिताभ ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, राजनीतिक पार्टियों के इन तंज से इतर मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि बिहार के लिए जो ऐलान हुआ है बीजेपी के संकल्प पत्र में, ये कितना पचने वाला है? देखिए, शब्दों की बाजी घड़ी है और जिस तरीके से लगातार जो 11 संकल्प पत्र हैं उनमें जो रोजगार की बातें की गई हैं, उनमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी मातृभाषा का सबके इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो बेसिक जो मुद्दे हैं उन्हें उन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। और यही बात विपक्ष भी है, लगातार जो सुबह से हम ट्वीट देख रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं वो दिख रहे हैं कोरोना को लेकर। कोरोना से हर कोई परेशान है, हर कोई डरा हुआ है, और इस मामले में कोरोना को लेकर जो
मैनिफेस्टो में जो कहा गया है कि अगर कोरोना की वैक्सीन आती है तो पूरे बिहार वासियों को यह मुफ्त में इसका कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये बातें जो पहले से भी प्रधानमंत्री कहते आ रहे हैं, बात होते रही है कि जब कोरोना वैक्सीन आएगा तो देशवासियों को मुहैया कराया जाएगा, तो इसको एक मुद्दा बनाने को लेकर जिस तरीके से लगातार आरजेडी के ट्विटर हैंडल से लगातार कई ट्वीट सामने आ रहे हैं, कांग्रेस ने भी ये इस मौके से नहीं चुका, और अभी से कुछ देर के बाद 3 बजे करीब आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। इसी मुद्दे को लेकर वो अपनी बात भी रखेंगे कि किस तरीके से जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें, साथ ही आप देखेंगे कि लगातार कई ट्वीट ऐसे भी आए हैं जिसमें कहा गया है कि पहले जो घोषणा हुई थी पिछले चुनाव के समय जो घोषणा हुई थी कि हम स्कूटर देंगे पेट्रोल उसके साथ देंगे, वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई है। इस बार भी बीजेपी की घोषणा पे बहुत ज्यादा जो विपक्ष है वो हमलावर है, और उनका कहना है कि इस बार भी घोषणाएं पूरी नहीं होने वाली है। चलिए आरजेडी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया।